जी असल ऑनलाइन फैमिली आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे मैं हूं असद अली और आप लोग देख रहे हैं अपना घर डॉट पी के तो आज हमारे पास मौजूद है फाइव मरला वन पॉइंट फाइव स्टोरी लो कॉस्ट हाउस और हमें हमेशा से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट ये मौसू होती है कि असद भाई ज़्यादातर घर जो हैं वो ऐसे लाया करें जिनकी प्राइस वन करोड़ की रेंज से कम हो यूनो के जब से इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हावी हुई है प्राइसेस ऊपर गई हैं कंस्ट्रक्शन की भी गई हैं प्लॉट्स की भी गई हैं ओवरऑल प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर गई हैं इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं जो एफबीआर के टैक्सेस हैं वो फाइलर के लिए टू परसेंट हैं और नॉन फाइलर के लिए सेवन परसेंट हैं तो ऑब्वियसली हर बंदे की कोशिश ये होती है कि कम से कम रेंज के अंदर जो है वो घर मिले तो आज हमने रुख किया है जी स्नोबर सिटी ग्रीन विलाज जरावल पिंडी का और यहाँ पे काफ़ी सारे हमने रिसेंट टाइम में घर शूट किए हैं और यहाँ पे ज़्यादातर शूटिंग करने का मकसद ये है कि ओवरऑल एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक सैलरीड पर्सन के लिए सोसाइटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे रोड्स वगैरह थर्टी और फोर्टी फीट वाइड हैं और ओवरऑल जो यहाँ की कम्युनिटी है मैंने ये चीज़ नोट की है कि अडयाला रोड पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सबसे अच्छी कम्युनिटी शरीफ लोग और एजुकेटेड लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और घर के अंदर हम इट एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कार पोर्च आ जाता है जिसमें हमारे पास एक गाड़ी की पार्किंग की जगह है टोटल इस घर की अगर हम एकमोडेशन के हवाले से बात करें तो फाइव मरला वन पॉइंट फाइव स्टोरी हाउस है तो टू बेडरूम हमें ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेंगे और वन बेडरूम हमें फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलेगा और हम हमेशा की तरह करेंगे इस घर का एक अदद फेयर ऑनेस्ट और इम्पार्शल रिव्यू जिसमें मैं घर के तमाम मेरिट्स और डी मेरिट्स आपके साथ शेयर करूंगा तो सबसे पहले हम घर की टीवी के टीवी लाउंज के अंदर एंटर होते हैं तो टीवी लाउंज में हमारे पास फुल फ्लैच कबर्ड नहीं दी गई एक अदद जो है वो एलईडी रैक छोटा सा हमें यहाँ पे सामने नजर आ रहा है ओवरऑल घर की जो फिनिशिंग है वो अप टू द मार्क है मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस घर की फिनिशिंग पेंट क्वालिटी और जो कलर स्कीमिंग है वो भी काफ़ी हद तक अप टू द मार्क है और थ्रू आउट द हाउस हमें यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ आ, सबसे पहले हम किचन में जाते हैं ओपन किचन इस घर में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है एक अदद हैंगिंग लाइट आप देख सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ग्लॉसी लेमिनेशन के साथ कैबिनेट्स और ग्रेनाइट का हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप दिया गया है और इसके साथ लोकल कंपनी का हमारे पास इलेक्ट्रिक हुड यहाँ पे मौजूद है इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे विंडोज़ की तो हमारे पास यहाँ पे आयरन फ्रेम के साथ एल्यूमिनियम विंडोज़ जो दिए गए हैं और इसके साथ साथ अभी यहाँ से हम चलते हैं बायर वंस अगेन टू द टी वी एंड द ड्राॅइंग रूम ऑफ द हाउस और सीलिंग uh, वर्क भी अप टू द मार्क है सीलिंग वर्क में हमेशा मैं ये चीज़ जिक्र करता हूँ आप लोगों ने क्या चीज़ नोट करनी होती है उसकी फिनिशिंग उसके एजेज़ और उसके कॉर्नर्स ठीक है ये एलईडी रैक हमारे पास दिया गया जिसमें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास काफ़ी हद तक स्टोरेज स्पेस मौजूद है जिसमें आप अपनी छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस भी रख सकते हैं ड्राइंग रूम में हम आते हैं तो राइट right साइड पर हमें यहाँ पर वॉल दिया गया और uh, इस घर में अभी तक मुझे किसी जगह पर सिपिज या डेंपनस वॉल पर नज़र नहीं आई और इसके साथ साथ फ़ैन जो है हमारे पास यहाँ पे अच्छी कंपनी के दिए गए हैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है ड्राइंग रूम में और अटैच वॉशरूम मस्ट है मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि पाँच मरला घर में अटैच वॉशरूम देना चाहिए ड्राइंग रूम के साथ तो मेरा हमेशा जवाब होता है हाँ बिल्कुल क्योंकि देखें प्राइवेसी हमेशा डिस्टर्ब होती है अगर आपका बाहर का बंदा है और उसको आपको बेडरूम्स के वॉशरूम के अंदर लेके जाना पड़े और इसके साथ साथ सिंपल से हमें यहाँ पे वॉश बेसन दिया गया और एक अदद इंडियन सीट यहाँ पे मौजूद है यहाँ से अभी हम चलते हैं वापस एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स द बेडरूम ऑफ द हाउस तो अगर घर की अम्यूनिटीज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है पानी का यहाँ पर बोरिंग हमारे पास मौजूद है और इसके साथ साथ अगर आप गैस की बात करें तो गैस फ़िलहाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ठीक है और क्योंकि अम्यूनिटीज़ एक अहम फैक्टर होता है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वीडियो में ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं लाजमी शेयर करूँ और राइट साइड पे अगेन हमारे पास वाल पेपर दिया गया है सीलिंग वर्क सिंपल है लेकिन डिसेंट है और ओवर सीलिंग वर्क यहाँ पे नहीं हुआ हुआ इतना ही होना चाहिए मोस्टली पाँच मल्ला के घर में क्योंकि पाँच मल्ला का छोटा घर होता है तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर किस्म की सीलिंग करवा देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आपके सर पे आगे गिरने लगी है और इसके साथ थ्री डोर हमारे पास यहाँ पे ग्लॉसी लेमिनेशन दिए गए हैं इसके साथ हमारे पास वॉशरूम के अंदर एक अदद इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है नीचे आपको सिंपल वाला एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है और वेंटिलेशन के लिए नीचे कमोड यहाँ पे दिया गया है और राइट साइड पे जो आपको एक अदद वॉश बेसन देखने को मिल रहा है वैनिटी वगैरह यहाँ पे हमारे पास उस तरह की नहीं मौजूद लेकिन यूनो के प्राइस इस घर की आ, कुछ इस तरह की है कि कोई दे भी नहीं सकता इतनी प्राइस के अंदर इतनी कम प्राइस के अंदर ये चीज़ें अभी हम यहाँ से जाते हैं टूवर्ड्स द लॉन्ड्री ऑफ द हाउस और लॉन्ड्री में हम जाते हैं तो ओवरऑल लॉन्ड्री भी काफ़ी साफ़ सुथरी है इस घर की और पेंट यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है पीच कलर का तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं बाहर घर की अगर मैं रेंटल वैल्यू के हवाले से बात करूँ तो इस घर की जो है वो ट्वेंटी तो फाइव थाउजेंड के करीब जो है वो तकरीबन रेंटल वैल्यू मौजूद है और यहाँ से अगर हम राइट साइड पर जाएँ तो वी विल गो टूवर्ड्स द बेडरूम नंबर टू ऑफ द हाउस और अगेन सिंपल से यहाँ पे डिसेंट सा सीलिंग वर्क हुआ हुआ है और टाइल फ्लोरिंग आपको देखने को मिल रही है उसी तरह के आपको फैन जो कि थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिल रहे हैं और पीछे एक अदद हमारे पास अटैच वॉशरूम दिया गया है सो आप में से किसी ने भी ये घर देखना हो या परचेज करना हो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर में आप लोग रबता कर सकते हैं और ये इस घर को विज़िट कर सकते हो और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे और भी घर अवेलेबल है हमारी टीम का एक मेंबर आपको यहाँ पे विज़िट करवाएगा और फिर उसके बाद इनकेस आपको घर पसंद आए तो फिर आप हमसे रबा करें और इसके साथ हम अटैच वॉशरूम में आते हैं अगेन यहाँ पर भी, भी आपको कमोड देखने को मिल रहा है ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है और इसके साथ साथ, साथ सिंपल सा वॉश बेसन है वॉशरूम इस घर के सिंपल हैं लेकिन अगेन जितनी महंगाई हो चुकी है इस तरह के ही वॉशरूम इंसान दे सकता है इतनी कम प्राइस के अंदर तो इस घर की प्राइस जो है वो थंबनेल में आप लोगों ने देखी होगी के 95 फाइव जो है वो इस घर की आस्किंग प्राइस है विच इस स्लाइटली निगोशियबल और इट इज़ अ फाइव मरला वन पॉइंट फाइव स्टोरी हाउस वी वर एट स्नोबर सिटी अडियाला रोड रावल पिंडी और यहाँ से अभी हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस और अगेन uh, हमारे पास जहाँ का स्टेयर्स दिए गए हैं और राइट right साइड पे जो है वो स्टेनलेस स्टील की रिलिंग दी गई है तो ऊपर हम आते हैं तो एक हदत हमें यहाँ पे बेडरूम ही देखने को मिलेगा इसके अलावा आप सबसे दरख्वास्त है कि जो लोग चैनल हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसी तरह के घरों के ऑनेस्ट और फेयर और इम्पारशल रिव्यूज़ देखने के लिए अपना घर डॉट पी के को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हमारी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं आपको मिल सकें एंड अलॉन्ग विद डैट वी हैव मूव टू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ़ द हाउस और हमारे पास जहाँ पर टवीरा मार्बल देखने को मिला है ये एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे वी हैड द टाइल्स लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती और एक अदर यहाँ पे भी हमारे पास अटैच वाशरूम है तो ये बंदा जो घर ले अगर उसको डबल स्टोरी भी बनाना है तो बैक साइड पर एक वो अगर चाहे तो बेडरूम कंस्ट्रक्ट करके उसके साथ एक अदर अटैच वाशरूम या एक किचन बना ले तो आपका डबल स्टोरी घर भी ये रेडी हो सकता है और दिस इज़ द दाशरूम नंबर थ्री ऑफ द हाउस सॉरी वाशरूम नंबर फोर ऑफ़ द हाउस क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास थ्री वाशरूम ऑलरेडी अवेलेबल थे सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और कोई भी सजेशनस हों कमेंट बॉक्स में लाजमी कर दिया करें और ये घर परचेज़ करने के लिए ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रबता करें छत पे हमारे पास चिप्स सॉरी मार्बल दी गई है और ऊपर जाने के लिए स्टेयर केस भी हमारे पास मौजूद है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़